नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन के लगातार बढ़ते मूल्य के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए तेल कंपनियों के प्रमुखों से भेंट की। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप सी विजिल शुरू कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर लड़ने का आग्रह किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अग्रिम सूचना प्रणाली की शुरुआत। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। और अर्जेंटीना में युवा ओलंपिक खेलों में पुरुष और महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारत को रजत पदक मिला। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए आज नई दिल्ली में तेल कंपनियों के प्रमुखों से भेंट की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब देश के चार प्रमुख महानगरों में ईंधन के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में खनिज तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से परिवहन के काम आने वाले ईंधन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस महीने के शुरू में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तेल के मूल्यों में आबकारी शुल्क में 1.50 रूपये प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था। इसके साथ ही तेल की बिक्री करने वाली सरकारी कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रूपये प्रति लीटर की कमी की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बैठक में भाग लिया। थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति पिछले महीने बढ़कर 5.13% पर पहुंच गई। खाद्य सामग्री के मूल्यों और पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से ऐसा हुआ। मुद्रास्फीति पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक पिछले वर्ष अगस्त में 4.53% और सितंबर में 3.14% था। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में इंटरनेट आधारित मोबाइल ऐप सी विजिल शुरू कर रहा है। पहली बार विधानसभा चुनावों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में सिटीजन विजिल आरंभ किया जाएगा। इस ऐप का उपयोग चुनाव वाले राज्यों में आचार संहिता लागू करने के दौरान किया जा सकेगा। इस ऐप की मदद से आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं के चित्र और वीडियो संबंधित चुनाव अधिकारी तक भेजे जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने आकाशवाणी को बताया कि इससे स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। ये एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप है जिसकी सहायता से कोई भी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के संबंध में कोई भी गतिविधि उनको दिख रही है तो उसकी ऑनलाइन सूचना सक्षम अधिकारी को दे सकते हैं। उद्देश्य यह है कि अगर सी विजिल का उपयोग होता है तो इसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन में आम जनता अपनी सहभागिता प्रदान कर सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी लॉग कर सकते हैं। पहले ये बताओ, हाथ किस किसने धोया है? किसी ने नहीं। चलो तुम्हारे हाथों में जादू चलाते हैं। सबसे पहले होता है नाचे, शाबाश हाथ में होता फिर और फिर घूम के आगे पीछे है, खेलो 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 तब और फिर चलाओ नाखूनों का, हाथ करे फिर पानी में छम 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 छम, क्योंकि सांप हाथ में ही है दम। बच्चों, अपने हाथों को सही तरीके से साफ करो, खास करके खाने से पहले, और साफ हाथों का दम आजमाओ। साफ हाथ में दम है। यस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान हो, आयुष्मान
चली 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 सेहत की हवा चली चली मुक्त होगा इलाज मिलेगी दवा बीमार न रहेगा बलात्कार बीमारी का होगा मुफ्त उपचार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 या 1800-111-565 पर कॉल करें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सभी देशों को इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए मिलकर लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व समुदाय को इस समस्या से निपटने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में विश्व को सुरक्षित बनाने और शांति कायम करने में भारत के दृष्टिकोण पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उग्रवाद आतंकवाद सांप्रदायिकता महिलाओं के प्रति हिंसा और हिंसक व्यवहार के किसी भी रूप के खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक संगठित शांतिपूर्ण सुरक्षित समावेशी और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरे और इसके लिए भारत अफगानिस्तान के साथ भागीदारी के प्रति वचनबद्ध है। श्रीमती स्वराज ने चीन और अफगान राजनयिकों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर एक संदेश में ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान निकट के पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में दिल्ली क्षेत्र के लिए वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली का उद्घाटन किया। ये प्रणाली अमेरिका और फिनलैंड मॉडल की सहायता से तैयार की गई है जो अत्यधिक वायु प्रदूषण स्तर का पूर्वानुमान व्यक्त करेगी। ये आवश्यक कार्रवाई के लिए चेतावनी भी देगी। इस अवसर पर डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि वायु की खराब स्थिति की पहले ही सूचना मिलने पर लोगों को सतर्क रहने के लिए शिक्षित किया जा सकता है। उन्होंने पराली जलाने के मुद्दों की चर्चा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब में इसे जलाने पर प्राथमिकता के आधार पर निगरानी रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्री हर्षवर्धन ने कहा, फायर डिटेक्शंस के जो इंसिडेंट है जो सैटेलाइट वगैरह से डिटेक्ट करते हैं तो पंजाब में करीब 75% लेस है अभी और इसी तरह से हरियाणा में भी 40% जो है लोअर है जो अभी सैटेलाइट से जो है पिछले साल के मुकाबले इस समय जो था। और इसी तरह से जो पीएम 10 और पीएम 2.5 के लेवल्स हैं व्हेन वी आर कंपेयरिंग देम फ्रॉम 16, 17 एंड 18 तो वो भी सारे के सारे जो है अभी फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। मंत्रालय में सचिव सीके मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कि भारत सरकार ने दिल्ली में फ्यूल क्वालिटी बेहतर करने के लिए BS4 से सीधा BS6 फ्यूल इंट्रोड्यूस कर दिया। BS5 के स्टेज को हमने बाईपास किया तो एक फ्यूल क्वालिटी की बात हो गई। व्हीकल क्वालिटी और रोड पे बंद करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम जोर दे रहे हैं। तीसरा हम ये कर रहे हैं कि जो नॉन डेस्टिन ट्रक्स थी जो दिल्ली में आती थी और पॉल्यूशन जिससे होता था उसके लिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे प्रारंभ हो गया, उस पर लोग जाने लगे। अगले माह से संभवतः वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे भी प्रारंभ हो जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 2016 में गांवों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य रक्षक कार्यक्रम शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश के आयुर्वेद क्षेत्रीय शोध संस्थान ईटानगर ने दुर्गम इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से लाभ पहुंचा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर स्थित आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ने बुधवार को ईटानगर के पापुनाला गांव से स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया है। इस चरण के दौरान पापुमपारे जिले के 5 गांवों को कवर किया जाएगा। पापुनाला गांव के एक रोगी मिस तोको यादक ने कहा कि इस स्वास्थ्य शिविर के जरिए उन्होंने एक ही जगह अपनी कई स्वास्थ्य परीक्षण कराए। हाँ, ये दिखाना बहुत अच्छा रहा है और
दवाई दे दिया, बीमारी पकड़ा है, ब्लड प्रेशर कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हमको तो पता नहीं था मेरा हीमोग्लोबिन परसेंटेज कितना कितना है, वो सब पता चला है, ये बहुत अच्छा किया है। आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान ईटानगर इन गांवों में मुफ्त साप्ताहिक कैंप्स अगले 6 महीनों के लिए आयोजित करेंगे। इस दौरान वे घरेलू परिवेश और पर्यावरण की सफाई और स्वास्थ्य के साथ इसके संबंधों के बारे में भी जागरूकता पैदा करेंगे। इसके पहले चरण में 9 गांवों में ऐसे शिविर लगाए थे जिनमें हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया था। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अरे आंटी, आपके घर में हरा नीला है क्या? हरा नीला? हेलो अरुणा जी, आपके घर में हरा नीला है क्या? ओके हुंदा है। हेलो जी, वो सब जो मुझे रेडियो पर सुन रहे हैं, आपके घर हरा नीला है क्या? नहीं है, यानी आप अपने घर का कचरा अलग अलग करके नहीं देते। हरा डस्टबिन गीला कचरा जैसे कि फलों के छिलके, अंडे के छिलके आदि के लिए, और नीला डस्टबिन सूखे कचरे जैसे कि थर्मोकोल, प्लास्टिक, पेपर आदि के लिए। हिंदुस्तान को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी में दीजिए अपनी भागीदारी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को आगे बढ़ाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा जनहित में जारी। जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी हम सब की है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मुबारक हो, बुआ बन गई। कितनी प्यारी बच्ची है। इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ सेल वेल लगाओ। नहलाया कि नहीं बच्ची को? डॉक्टर नी जी, अब आप ही समझाइए। बिल्कुल, बच्चे को 24 घंटे तक नहलाना नहीं चाहिए, ठंड लग सकती है उसे। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। नाल को साफ सूखा रखिए, वो अपने आप ही सूख कर गिर जाएगी। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक असाधारण गुरु, अद्भुत प्रेरक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक स्वप्नदर्शी वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति थे। सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक के साथ साथ एक स्वप्नदृष्टा नेता भी थे। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह आज दोपहर बाद नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से महिला किसान, उद्यमी, किसान संगठन, कृषि वैज्ञानिक और शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत गांवों के परिवारों और समुदायों में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गांवों में रहने वालों की आजीविका में सुधार हो और उनके संपूर्ण विकास को सुनिश्चित करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान की जाती है। ब्यूनस आयरस में युवा ओलंपिक खेलों की हॉकी टूर्नामेंट में भारत की पुरुष और महिला टीम ने रजत पदक जीते हैं। कल फाइनल में पुरुष हॉकी टीम ने पहले हाफ में 2-1 की बढ़त ले ली, लेकिन 2 मिनट पहले ही मलेशिया के अनवर ने दूसरा और चौथा गोल करके मलेशिया को जीत दिला दी। महिला टीम को भी मेजबान अर्जेंटीना के हाथों 1-3 से हार का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन के लगातार बढ़ते मूल्य के मद्देनजर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए तेल कंपनियों के प्रमुखों से भेंट की। निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में किसी भी गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप सी विजिल शुरू कर रहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर लड़ने का आह्वान किया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए अग्रिम सूचना देने वाली प्रणाली की शुरुआत हो गई है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। और कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।